अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। आज वीकेंड है, सैटरडे, तो ये है मेरा वीकेंड व्लॉग। और आज ये जनाब घर पे हैं, इनको आज और कल 2 दिन छुट्टी है। अब्दुल कुदूस, हाँ जी, कुछ कहेंगे आप? ये एज़ यूजल आपने चुप रहना है, ये सिर्फ मुझे तंग करने के लिए बोलना है, हैं अब्दुल कुदूस? हम बिजी हैं। ये देखें जी, ये सुबह सुबह इसने हमें उठाया है, अमल बीबी ने। उसके बाद इसे फीडर वगैरह बना के दिया, फिर ये काम वाली आई है तो उसने ये सारी घर की सफाई कर दी है। और अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और ये देखें जी, कितनी मज़े की धूप निकली हुई है। तो चले, बस ये ब्रेड वगैरह पड़े, अभी अंदर से अंडे ले लेती हूँ फ्रिज से, और साथ में गर्मा गर्म चाय। पहले दिल था कि पराठे बना लेती हूँ, लेकिन फिर था कि नहीं यार, अंडा ब्रेड जो है, मुझे तो इसी का नाश्ता अच्छा लगता है। और हस्बैंड भी डाइटिंग पे हैं, तो उनके लिए भी डेफिनेटली अंडा ब्रेड ही बेस्ट है। तो चलें अभी नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो कोई ना कोई आज सालन भी बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी, अभी मेरा दिल है चिकन और साथ में कद्दू, वो बना लेती हूँ। तो चलें जी, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। बस ये नाश्ता बना लूँ ज़रा मैं। और ये देखें माशाल्लाह, सारे घर की जो है वो टनाटन सफाई हो गई है। एक बज चुका है और मैं जस्ट अभी जो है वो अमल को शॉवर दिया है। आज एक्चुअली हमने गीज़र चला दिया है क्योंकि मौसम जो है वो ज़ाहरी बात अब ठंडा है, तो हमने गीज़र चलाया। और ये साथ, खैर उसको शॉवर देने के बाद मैंने कहा कि चलो सालन बना लूँ। ये चिकन है जो कि फ्रीज़ हुआ हुआ है, इसको अनफ्रीज़ करने के लिए बाहर मैंने रख दिया है। कद्दू है, और ये यहाँ पर जो है मैं अमल के लिए उसका पानी बॉयल कर रही हूँ, इलायची सौंफ वाला। ये मैंने कहा ये भी साथ साथ बॉयल हो जाएगा। अमल जो है वो नहा के उसको दूध पिलाया, वो अब सो चुकी है, और बस मैंने अब जो है ये सालन रेडी करना है। बस ये यहाँ पर जो है सालन मेरा रेडी होने लगा है, ये आप कह लें कि रेडी हो रहा है। ये प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, और ये चिकन जो है ये मैंने साफ़ की है, और साथ में ये सारा सामान जो है ये कट कर लिया है। तो बस अब सालन रेडी करना है। यहाँ पे सालन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा तो इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और ये यहाँ पे तवा मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, ये मैंने पेड़े कर दिए हैं। बस अब रोटी बनाऊँगी और फिर जो है हमारा लंच हो जाएगा, फिर उसके बाद देखो डिनर के लिए क्या करते हैं। तो बस चलें अभी रोटी बनाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ जी। खाना वाना हो चुका है, मतलब हमारा लंच हमने कर लिया है, और अब बारी है चाय की। इस बर्तन में एक्चुअली दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो इसी बर्तन में चाय बना लेती हूँ, अब नया कहाँ से मतलब दोबारा यूज़ करना और फिर उसको धोना। तो बस इसी बर्तन में जो है ये चाय बन रही है मज़े की। और रात को ब्राउनी आई थी, तो अभी एक हमने खा ली थी और एक पड़ी हुई है, वो इस चाय के साथ हम लोग ब्राउनी खाएंगे। और आज प्लान है कि डिनर जो है वो बाहर से करेंगे, लेकिन अभी देखो कि क्या सूरत हाल बनती है, मतलब क्या सिचुएशन बनती है, फिर उसके हिसाब से करेंगे। जो कुछ भी करना हुआ डेफिनेटली आपके सामने ही करेंगे। तो अभी अगर तबीयत के बारे में बताऊँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा फ्लू है, और अमल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कुछ बेहतर है। यार बहुत बच्चों का शोर आ रहा है, उसके लिए माजरत। इस टाइम बच्चे नीचे गली में ना क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये रही हमारी दोपहर की चाय, दोपहर की बोलेंगे क्या बोलेंगे, मतलब लंच के बाद की चाय, हाँ आफ्टरनून चाय जो है। 5:30 बज गए हैं, तो अभी बस लंच वंच करके तो हमने ये चाय रेडी की है, ये ब्राउनी, ये चाय, और ये रहा अमल का बिस्किट। और ये अमल टाटा करो, टाटा तालियाँ बजाओ, तालियाँ। और ये जी अमल के पापा साहब, क्या हुआ, शर्म आ रही है?
अच्छा जी, इनको शर्म आ जाती है, बहुत शर्मीले हैं जी, बहुत शर्मीले हैं। चलें जी, खैर ये साथ टीवी चल रहा है एज़ यूजुअल, ख़बरें चल रही हैं जो मेरे हस्बैंड ने सुननी होती है, टेंशन देनी होती है, लेनी भी होती है। खैर एनीवे चाय पीते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी रात के 10 बज चुके हैं और मैं ये रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने, क्योंकि हमारा अक्सर यार पहले भी ये प्लान होता था कि जब हस्बैंड घर पे होंगे, वीकेंड होगा, तो हम लोग लाजमी जो है वो बाहर से कुछ ना कुछ जाके खाएंगे, मतलब डिनर करेंगे। हम जाते होते थे, करते होते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा मतलब चलता रहा था कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते थे, जिसकी वजह से हम लोग जाना बहुत कम कर दिया था। खैर आज जो वो घर पर ही थे और अभी तो खैर वो बाहर गए हुए, तो उन्होंने मुझे भी मैसेज किया है कि बी रेडी, मैं बस बहुत जल्दी घर पहुँच रहा हूँ और फिर हम लोग जाएंगे बाहर डिनर करने के लिए। अब देखें कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ जाते हैं, ये आप लोगों को वहाँ जाके मैं बताऊँगी। मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये अमल है, अमल भी रेडी हो चुकी है, पापा इसके रेडी ही हैं, बस वो आएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। तो चलें फिर मिलते हैं बाहर जाके, तो मतलब जो भी प्लान होगा फिर डेफिनेटली आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जी हम लोग निकल चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं भला? क्या हाँ, आपको नाम नहीं पता चल जा रहे हैं? अच्छा एक्चुअली हुआ ये है कि शाहदरा हम जा रहे हैं, वहाँ पे कोई इन्होंने पॉइंट देखा है खाने का, ओपन एरिया है कोई, मतलब बड़ा अच्छा कहते हैं रेस्टोरेंट सब वो बना हुआ है, तो वहाँ हम जा रहे हैं अभी खाना खाने। और रात के 11:30 हो चुके हैं और हम लोग निकले हैं अभी घर से। हम लोग गाड़ी पे जा रहे हैं, पहले प्लान था कि बाइक पे जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से प्लान हमारा चेंज हुआ और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पे। और जिनके साथ हमने जाना था उन्होंने मतलब अभी क्या है कि उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो इसलिए हम तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली उनके साथ हमारा टाइम था 8:30-9 बजे का। तो हस्बैंड अभी थोड़ी देर पहले घर आए, कहीं गए हुए थे, बिज़ी थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो हम कल चलेंगे। तो हमने कहा यार हमने तो प्लान किया तो हम लोग आज चले जाते हैं, कल भी हम आपके साथ चले जाएंगे, तो चले कल की कल देखी जाएगी। लेकिन अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और मज़े की बात ये है कि हम आपस में ये बात कर रहे थे, मैं और अब्दुल कुदूस, बाइक पे जाएं कि गाड़ी पे जाएं। तो इन्होंने हेलमेट पहन लिया, बाइक के पास खड़े हो गए, बाइक को स्टार्ट करने लगे, तो मैंने कहा यार गाड़ी पे चलते हैं। इन्होंने फिर पार्किंग वाले को फ़ोन किया और उसने कहा कि हाँ ठीक है आप लोग आ जाओ, मैं आपकी गाड़ी निकाल देता हूँ। बेध्यानी में इन्होंने क्या किया कि हेलमेट पहन ही रखा और चल पड़े आधी गली में। जब ये गए तो मैंने इनको रियलाइज़ कराया कि आपने हेलमेट पहना हुआ है, तो हेलमेट पहन के कौन गाड़ी चलाता है। फिर ये वापस मुड़े और इन्होंने हेलमेट जो है वो उतारा, नहीं तो आए तो हमने गाड़ी हेलमेट के साथ ड्राइव करनी थी। ये बड़ा फनी सीन था घर से निकलते हुए। तो खैर अभी जो है हम लोग ये कहाँ पे पहुँचे हैं, ये कदूस, ये क्या भला इसको क्या कहते हैं, सेक्रेटेरिएट, हाँ हमारे घर के बिल्कुल साथ है सेक्रेटेरिएट, वहाँ हम पहुँच गए हैं और ये अमल मेरी गोद में बैठी हुई है। और बस अब उस पॉइंट पे पहुँच के आपसे बात करते हैं कि, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी और फिर बताऊंगी कि खाना वाना उसका कैसा है। मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, अपने दोस्त भी उस जगह पे पहली दफ़ा जा रही है, तो चलें मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये यहाँ पर हम दाता साहब के बिल्कुल पास से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरी तरह आप लोग भी इनको जो है वो सलाम पढ़ के भेजें, क्योंकि इनके बिना तो ज़ाहरी बात है यार कोई चीज़ भी क्या कह सकते हैं, बस कुछ भी नहीं कहना चाह रही, बस जो है सो है। मतलब अल्लाह पाक को पता है ना कि इनका क्या रुतबा है, हमें भी बहुत अच्छे से पता है। तो चलें जी आप भी इनको सलाम भेजिए और मैं भी भेजती हूँ, मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है बस। और ये ट्रक वाले ने काम बहुत ख़राब कर दिया है। और ये जो मीनार हैं ये बाशी मस्जिद के हैं और ये रहा जनाब मीनार पाकिस्तान, ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। रात को तो मुझे ये ज़्यादा प्यारा लगता है यार, चमक रहा होता है, मतलब इसमें लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं। ये ब्रिज मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे यहाँ पे आना और ये सारी चीज़ें क्योंकि नज़दीक ही हैं सारा कुछ, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने अभी ये रात का व्यू, आज़ादी फ्लाई ओवर कहते हैं इसे, हाँ ठीक है, ये जनाब आज़ादी फ्लाई ओवर, ये मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली बना है शायद। यार ट्रैफिक है अभी भी, मुझे तो था कि कम होगी ट्रैफिक, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी है। ये देखिए लाहौर के नज़ारे रात के 12 बजे। ये
ये वो होटल है, ये इसका नाम है, पता नहीं सही नज़र क्यों नहीं आ रहा। खैर बारे सगीर किनारा शेर शादरा वाले मोड़ के बिल्कुल पास है, लोकेशन अच्छी है और सिटिंग भी अच्छी बनी हुई है। तो ये देखें, चलो चलते हैं खाना देखते हैं कि खाना इसका कैसा है। ये देखें जी, आई थिंक यहीं पे बैठ जाएं, इधर मच्छर होगा वैसे क्योंकि ये है ना घास है, ये सामने स्क्रीन लगी हुई है। जी तो हम लोग बैठे हैं, बस अभी वेट कर रहे हैं खाने का। हमने ऑर्डर किया है कबाब मसाला साथ में रोटी। इनके पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं और इसका प्रॉपर नेम है बरे सगीर, तो दोस्त बरे सगीर कॉर्नर, क्या नाम है इसका होटल का? बरे सगीर कॉर्नर है कि क्या आगे भी कुछ है? बरे सगीर करके कुछ इसका जो है वो नाम है। इनके पास लोकेशन, मतलब लोकेशन कह रहे हैं, इनका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। आहिस्ता कीजिएगा प्लीज़, कदू थोड़ा आहिस्ता करना। इनके पास काफ़ी ज़्यादा है एरिया, तो यहाँ पे अभी एक बर्थडे भी मतलब सेलिब्रेट हो रही है, लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छी खासी आप लोग अपनी कोई भी इवेंट्स जो है वो कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह है। और खाना भी कैसा है वो तो मैं अभी खा के आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन जगह के लिहाज से ये A1 है। रिकॉर्डिंग करनी आपको क्या है? हाँ करनी है। देखें ये ब्रिज है और ब्रिज के पास से ये ट्रैफिक गुजर रही है, ये देखें। और ये सारा जो है होटल ये ओपन बना हुआ है, ये आप ट्रैफिक देख लें। शादरा मोड़ रावी टूल प्लाज़ा, इसकी जो लोकेशन है ना वो है शादरा मोड़ रावी टूल प्लाज़ा, ठीक है। आप जब जैसे जब इसके ऊपर पुल से गुजरेंगे ना, ये ट्रैफिक जो गुजर रही है इससे गुजरेंगे तो आपके ये आई थिंक लेफ़्ट साइड पे आएगा। अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो फिर आपकी लेफ़्ट साइड पे आएगा। मतलब ये काफ़ी लाइटिंग है और ये आपको आराम से नज़र आ जाएगा। ये देखें अभी खाना हमने खा लिया है और बस हम लोग यहाँ पे जो है अब चाय ऑर्डर की है। अच्छा यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है भाई, बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ पर रख दें, थैंक यू। अच्छा इनके खाने के अगर मैं व्यू दूँ तो खाना बहुत अच्छा था, मतलब ऑनेस्टली सीरियसली खाने का टेस्ट अच्छा था। और ये अब चाय है, अब हम चाय पीने लगे हैं। आई होप सो कि ये भी इंशाल्लाह अच्छी होगी क्योंकि ये वो जो ओपन दूध मिलता है ना ये उसकी बनी हुई है चाय, मतलब अच्छे से काढ़ के इन्होंने ये चाय बनाई हुई है। और मौसम अच्छा खासा ठंडा है यहाँ पे। कदूस मुझे अभी बता रहे थे कि इसके पास से जो है वो दरिया रावी गुजर रहा है, मतलब बिल्कुल पास से। और ये देखें अमल की शरारतें। अच्छा ये खाना कुछ बच गया था तो ये हमने पैक करा लिया है, ये कढ़ाई जो है ना कबाब मसाला ये हमने पैक करा लिया है जी। चाय कैसी है? अच्छी चाय बनी हुई है, टेस्ट करें ज़रा। वाह अदरक वाली। चलें जी, चाय के व्यूज़ भी अच्छे आ गए हैं। इसका नाम है बरे सगीर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और लाहौरियों के लिए तो मैं कहूँगी कि मस्ट यहाँ पे लाजमी आप लोग आएँ। ये देखिए